अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सामसा चाविश के बारे में कि उसकी एंट्री कब होगी और क्या पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा या फिर अदाकार चेंज कर दिया जाएगा, कौन सा अदाकार लिया जा सकता है, इन सब पर ही आज हम बात करेंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, जब सीजन 5 स्टार्ट होना था तो उससे चंद दिन पहले खबरें आई थी कि सामसा चाविश की वापसी हो रही है और पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा, ऐसा कहा जा रहा था। अब सीजन 5 स्टार्ट हो चुका है लेकिन उसके बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही। काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसकी एंट्री हो सकती है और अगर एंट्री होती है तो फिर क्या पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा। तो नाज़रीन, बिल्कुल पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा, अलबत्ता एंट्री होने के बहुत कम चांस हैं। अगर तो होती है तो फिर पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा। पहली बात तो ये है कि अभी इसकी एंट्री मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि काफी किरदार ऐसे हैं जिनको अभी तक दिखाया नहीं गया, जैसे कि अक्षय कोजा, हसन अलव और अहमद अलव। ये 3 किरदार ऐसे हैं जिनको दिखाना जरूरी है लेकिन इनको दिखाया नहीं जा रहा, तो सामसा चाविश को कैसे दिखाया जा सकता है। लेकिन जब सीजन 5 स्टार्ट होना था तो उससे पहले तो मुलाकात की गई थी, उससे पहले खबरें भी आई थी कि इसकी वापसी हो रही है, तो क्या वो खबरें झूठी थी? तो नाज़रीन, बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। अगर वो खबरें सच होती तो फिर अभी भी कोई ना कोई खबर मिलती, अलबत्ता थोड़े बहुत चांस है कि सामसा चाविश की एंट्री हो जाएगी। अगर एंट्री होती है तो फिर पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा। अगर ऐसा नहीं होता, एंट्री भी होती है और अदाकार भी चेंज किया जाता है, तो फिर कौन सा अदाकार लिया जा सकता है? नाज़रीन, आप लोगों ने संजोग सीरीज देखी होगी, उसमें जो हसन बिन सबा था, अगर उस अदाकार को सामसा के लिए लिया जाता है तो फिर बहुत मजा आएगा। और वैसे भी वो अदाकार फिट बैठता है, उसकी शक्ल भी मिलती है और अदाकार भी अच्छा है, लेकिन ऐसा होने के बहुत कम चांस हैं। तो इन सब के बारे में आपको क्या लगता है? क्या वाकई ही इसकी एंट्री हो सकती है और अगर एंट्री होती है तो फिर क्या पहले वाला ही अदाकार वापस आएगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।